तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर अपने फेसबुक के मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या जीमेल आईडी को यहां पे ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शुरू से आखिर तक तो देखें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते किस तरह से मोबाइल नंबर को चेंज किया जाता है। तो आपको फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है, और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने वाले उसको यहाँ पर सेटिंग पे फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए मैनेज कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर जीमेल आईडी लिंक है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। आप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को ऐड करना होगा। तो ऐड फोन नंबर पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने बोल रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है। चलिए मैं इंटर कर देता हूँ, और इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए क्लिक करते हैं। उसको देखिए यहाँ कंफर्म योर नंबर, तो जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किए उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, उसको कन्फर्म पर क्लिक करना है। चलिए मैं ओटीपी यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कोड इंटर कर दिया, उसको कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर ऐड हो गया, उसको यहाँ क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे जो भी नंबर आपने ऐड किया वो आपका नंबर यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पुराना नंबर आपका पहले वाला था उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिमूव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क लगाना है, उसका रिमूव नंबर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखें यहाँ पे आपको फेसबुक का पासवर्ड इंटर कर देना है, और इंटर करने के बाद उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, रिमूव फोन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो पुराना मोबाइल नंबर है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से डिलीट नहीं करना, मेरे को दोनों नंबर रखना है, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से मोबाइल नंबर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या तो ऐड कर सकते हैं, और उसी तरह से आप यहाँ पर ईमेल आईडी को भी एडिट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सीधा आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।